तुझे पता है जो हमारी बड़ी भाभी है ना, वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब प्लानिंग तो ऐसी चल रही है कि भैया की ना दूसरी शादी करवा देते हैं। हैं सच में? हाँ, अब तो डिवोर्स ही करवाना पड़ेगा। हनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। तुझे पता है ये अपनी घर की ना कोई बात नहीं बताते मुझे। अरे दीदी, अब आपको क्या बताऊँ, हमने वो गोल्ड बॉन्ड खरीदा था ना, अपना फ्यूचर सिक्योर करने खरीदा था। इनकी बहन आई, इन्होंने बोला कि ले जाओ, पैसों की दिक्कत है तो क्या हुआ, अब आप ही बताओ ये कोई बात होती है? हनी, एक मिनट। दीदी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ बोलो। ये क्या कर रही हो तुम, घर की सारी बातें किसी को भी बता देती हो यार। हाँ तो अपनी दीदी को बता रही हूँ, वो मेरी दीदी है, कोई दुश्मन नहीं है। अरे तो दीदी है तो क्या हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी बता दोगी उनको। तुम मुझे एक बात बताओ, मैं अपने फैमिली मेंबर से भी कोई बात शेयर नहीं कर सकती क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ दीदी अब बताओ। अरे मम्मी, अब आपको क्या बताऊं मैं, इनकी जो बहन है ना, उसमें और उसके पति में इतनी लड़ाई होती है, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत जल्दी इनका डिवोर्स हो ही जाएगा। अरे हाँ, ये तो मुझे कुछ भी नहीं बताते, मुझे जितना भी पता चलता है ना मैं सब आपको बता देती हूँ। और क्या, अरे जब इतनी लड़ाई करेंगे पूरी दुनिया को तो पता चल ही जाएगा ना। मम्मी बहुत जल्दी डिवोर्स होने वाला है इनका, आपको नहीं पता? मम्मी मुझे लगता है कि ऑफिस से आ गए, मैं एक बार देख लेती हूँ और बाकी बातें ना आपको रात को बताऊंगी। चलो ठीक है, बाय। अरे यार अब क्या ही बताऊं, शादी के बाद ना लाइफ एकदम बोरिंग हो चुकी है यार, हम दोनों एक दूसरे के साथ अब टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते। अब मेरा सारा दिन ऑफिस होता है। मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। फोन काट। रुको मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। क्या हुआ, कॉलेज की फ्रेंड से बात कर रहा था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अरे तो क्या हो गया, मेरी कॉलेज फ्रेंड है, बस उससे हमारी बातें तो शेयर कर रहा था, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? अरे हमारी बातें हमारी पर्सनल बातें, प्राइवेट मूवमेंट की बातें कौन बताता है, वो भी दूसरों को। क्या दूसरे? हनी वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और इनफैक्ट उसने मुझे वहां पे राखी भी बांधी हुई है, अब उससे हमारी बातें शेयर कर रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बातें ना किसी को बताई नहीं जाती है, चाहे वो फैमिली हो या फिर फ्रेंड हो, किसी को नहीं बताते, और तुमने बता दी। बताओ क्यों हनी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अगर शेयर कर दी तो? अरे मैं बताती हूँ तुम्हें, हमारी पर्सनल बातें, हमारी लव लाइफ कैसी चल रही है, ये तुम किसी और को बताओगे ना तो वो सलाह नहीं देगा बल्कि तुम्हें भड़काएगा, और इससे ना हमारी लाइफ खराब भी हो सकती है, कल को कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली हनी, मैं भी इतने टाइम से तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो तुम अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो हमारे बारे में हमारी पर्सनल बातें शेयर करती हो ना, उससे घर टूट सकता है, वो इस चीज़ को लेकर तुम्हें भड़का सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं, और इस चीज़ से रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुरा है, सब अच्छे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिलेटिव्स अच्छे हैं, मेरी कॉलेज की फ्रेंड वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन हर रिश्तों में ना दायरा बना के रखना पड़ता है, ऐसे किसी से बात शेयर नहीं करी जाती है। और अगर तुम हमारे बारे में बातें शेयर करोगी या मैं हमारे बारे में किसी से बातें शेयर करूंगा तो पति पत्नी का रिश्ते का क्या मतलब हुआ, रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। देखो जो बातें पति पत्नी के बीच में होती है ना उसे बाहर वालों को नहीं बताया जाता, और अगर तुम किसी बाहर वाले से बात कर रही हो, फॉर एन एग्जाम्पल अपनी फ्रेंड से बात कर रही हो, तो वो पति पत्नी को नहीं बताई जाती। हर रिश्तों का ना एक महत्व होता है, अपनी अपनी जगह होती है, और इतने टाइम से हनी मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं थी। अब जैसे तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है ना, वैसे ही मुझे भी बुरा लगा है जो तुम हमारे बारे में बाहर बताती फिर रही हो, तो ये सब ना बंद कर दो, वरना रिश्ते बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा, घर टूट जाता है ऐसे। समझ गई ना मेरी बात कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ? हाँ मुझे समझ में आ गया, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी भी किसी को भी ना घर की बातें नहीं बताऊंगी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, गुड। खाना बना दो कुछ।